इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सीमावर्ती है और जो जनजातियों द्वारा इनहैबिटेड है, जैसे पूर्वांचल का हिस्सा है जो तिब्बत से, चाइना से, बर्मा से, बांग्लादेश से ऐसे लगा हुआ है, राजस्थान का भी कोई ऐसा पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसे जो जनजाति और सीमावर्ती क्षेत्र है, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कल्याण आश्रम की ओर से कुछ काम हो रहा है क्या? हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है? अच्छा प्रश्न पूछा हमने कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितना सारा बॉर्डरिंग एरियाज है उसमें बांग्लादेश की बड़ी बॉर्डर है, बाद में म्यांमार की है, नेपाल की है, ये सारे क्षेत्र में पूरी तरह से जनजाति क्षेत्र बसा हुआ है। इसमें अरुणाचल है, आसाम का भाग है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, ये सारा बॉर्डर जो है। और इधर ऊपर आएंगे तो सिक्किम में भी पूरा जनजाति क्षेत्र जो तिब्बत से लगा हुआ है, उत्तराखंड की भी तिब्बत की बॉर्डर जो है, नेपाल की बॉर्डर भी है, ये सारा जनजाति क्षेत्र है पूरी तरह से। और इसका एक बहुत बड़ा समाज यहाँ फैला हुआ है और इसका वहां पर भी आज कल्याण आश्रम का काम देश के अंतिम गांवों तक पहुंचा हुआ है हमारा। 2010 में कल्याण आश्रम का जो अरुणाचल प्रदेश का हमारा यूनिट है, उन्होंने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का सर्वे किया और बॉर्डर का सर्वे किया मैंने बॉर्डरिंग विलेज के हर गांव के घर में हम पहुंचे हैं, अपने कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने एक क्वेश्चनर लेके गए थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप कोई सरकार के लोग है क्या? तो सरकार के लोग तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग है तो वो भी नहीं है, तो आप क्यों आए, कहां से आए? तो अरुणाचल के लोग थे सब। उन्होंने बोला कि बस हम आपको पूछने के लिए आए कि आप कैसे हैं, ये पूछने के लिए आए। तो उनके लोगों के आंखों में आंसू आया, बोले 1962 के बाद आज पहली बार कोई आया है कि आप कैसे हैं पूछने के लिए। लेकिन वहां जब अध्ययन किया तो पता चला कि वहां स्कूल्स की अवस्था क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत कमजोरी थी, रास्ते नहीं थे, हालांकि अभी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी होने के बाद ये काम तेजी से आगे बढ़ने लगा, इसका अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव, उसमें हमने प्रश्न पूछा था कि नमक का दाम कितना है, क्योंकि बिना नमक तो कुछ चलता नहीं है। आपको बताने से विश्वास नहीं होगा, 2010 में नमक का दाम 45 रुपए केजी था, तो बाकी कमोडिटीज का दाम कितना हम सोच सकते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं, तीन तीन दिन पैदल चल के जाना है। तो ऐसे क्षेत्र के में जाकर अपना काम चलता है, वहां मेडिकल कैंप्स करते हैं, वहां काम करते हैं और वहां के युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए कल्याण आश्रम ने एक इनिशिएटिव लिया। ये सारा अध्ययन करने के बाद हमारा डेलीगेशन अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिला था, उस समय जनरल जे सिंह वहां पर राज्यपाल थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस प्रकार का कोई एनजीओ इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। और उनके कहने पर हमारे टीम जो है डेलीगेशन, रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब थे उस समय, उनको मिले, तो उनको भी आश्चर्य लगा कि इस प्रकार का इनिशिएटिव। और फिर भारत सरकार का सेना, भारतीय सेना और कल्याण आश्रम का वहां का लोकल यूनिट, वहां पर दो जगह पर हमने थिंगसा और सोहा ये दो गांवों में हमने आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर यूथ ऐसा 7 डेज का कैंप किया, जिसमें काफी अच्छी संख्या में लड़के आ गए और 69 लड़कों का सिलेक्शन इस सारे प्रोसेस में हुआ है।